हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे और हम दोनों का आज ऑफ है और आज इतना अच्छा मौसम है ना, मतलब पूरे रात से ही बारिश हो रही है और अभी पूरे दिन से बारिश हो रही है और अभी 1:30 बज रहा है। मैंने अभी व्लॉग्स शुरू किया है, हमने आज एक फॉर अ चेंज हमने अभी लंच वंच सब कर लिया है, आज जल्दी खा लिया है हमने। और आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को हम लोग मतलब कपड़े धुलवाते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प आती हैं काम करने, उनसे वो कपड़े वपड़े धो के तो चली गई। उस टाइम पे थोड़ा सा मौसम ठीक था तो हम लोगों को लगा कि बारिश नहीं होगी, पर अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, कपड़े ऐसे लटका तो दिए हैं मतलब पानी वानी सूख जाएगा, पर मुझे लगता नहीं है ये सूख पाएगा और कहीं कहीं स्मेल ना हो जाए। पर रुको मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इतने दिन में पहली बार ऐसी बारिश हो रही है, मतलब कि अब लग रहा है कि मॉनसून आ गया है फाइनली। देखो आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने जूम करके इसलिए दिखाया ताकि अच्छे से दिख पाए। और गाइस बच्चों की इतनी आवाज़ आ रही है ना, वो लोग शायद छत पे नहा रहे हैं तो बहुत आवाज़ आ रही है बच्चों को। देखो वहाँ पे बच्चे ना खेल रहे हैं बारिश में, हम भी घर पे होते थे ऐसे बारिश होती थी ना तो हम भी बोलते थे मम्मी को कि हमें भीगने दो, और ऐसी बारिश भी हो रही है कि मतलब मज़ा भी आ रहा होगा उन लोगों को। देखो छुट्टी से अब ये बिल्कुल नहाने वाला बारिश है, मतलब इसमें नहाना चाहिए इस बारिश में। गाइस तो हम लोग सो गए थे, मतलब थोड़ी देर के 1-1.5 घंटे के लिए सोए होंगे गेट वेट। तो आज का भी हमारा प्लान था कहीं जाने का, पर बारिश इतनी हो रही थी कि कौन जाए कहीं पे। तो अब शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है और यहाँ पे अभी मेरा मन था कि मैं एक जो मैंगो श्रीखंड बनाती हूँ वो खाऊं ग्रैनोला के साथ, तो ग्रैनोला भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा उसका चूरा है तो हमने सोचा उसी के साथ खा लेंगे। फिर मेरा रील स्क्रॉल डाउन करते करते मन कर रहा है मेरा कुछ चाइनीज़ प्लेटर टाइप ऐसा कुछ खाने का, पर वो फिर बहुत हैवी हो जाएगा। तो अभी हम खा रहे हैं पकौड़े, अब उसी की तैयारी चल रही है। तो देखो यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन। और जबकि कल रात भी हमने चिकन खाया था, आज दिन में भी हमने चिकन खाया है, तो बहुत हैवी हो गया है। लेकिन ये रील्स जो ना कराए वो ये रील्स कराए, इसमें बस मेरे रील में बस वो फूड फूड का आता रहता है, वो देख देख के थोड़ा मन ललचा जाता है। अब देखो रात को हम क्या खाएंगे, कुछ लाइट ही खाएंगे। लेट्स सी फ्रेंड्स, दूध नहीं है और भी एक दो सामान मुझे मंगाना था, ब्लिंकिट स्विगी हर जगह से टेम्पररीली क्लोज्ड, ये बारिश की वजह से हो रहा है। अब देखो क्या, इसके साथ चाय तो मेरा पीने का मन कर रहा है क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। मैं लेमन टी ही बनाऊंगी अभी या पाउडर वाले दूध का बनाऊंगी, वैसे पाउडर वाला दूध इसका फेवरेट है बहुत। मुझे ये पाउडर वाला दूध ना ऐसे कच्चा खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताना कि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉर्लिक्स सब कच्चा कच्चा खाने में। हमारे पकोड़े और यहाँ पे है चाय, तो हम एंजॉय करते हैं। गाइस तो देखते देखते छुट्टी का एक पीत भी गया, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। अब देखो कल क्या करते हैं हम लोग, बारिश वैसे फिर से होना शुरू हो गया है तो लेट्स सी क्या होता है, क्या करेंगे। गाइस तो आज नेक्स्ट डे हो गया है, आज है संडे। हम लोग सुबह से उठ के अपना जो भी सुबह का दिनचर्या सुबहचर्या होता है वो सब हो गया है हमारा। अब बस हमारी जो हाउस हेल्प आती हैं उनका वेट कर रहे हैं हम लोग, वो आएंगी बर्तन वगैरह धोएंगी तो उसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो वैसे आज वेदर भी मतलब ठीक है, अभी बारिश तो नहीं हो रही पर गर्मी का
टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो देखते हैं। शायद सुबह तक हुई है, अब जाके बंद हुई है बारिश। गाइस यहाँ पे घर का फ्रेश घी बन रहा है और हमारे घर की ड्रिंक भी बना रही है। का बस यही चल रहा है, कभी कपड़े डालती है, कभी उठाती है, कभी कुछ करती है। अब बारिश तो ऐसे ही रहेगा, छोड़ दो, थोड़ी देर तो नहीं, कभी डालेगी कभी उठाएगी। नहीं होगी ज्यादा, तो मैंने डाल दिए थे। बारिश इतनी तेज हो गई है कि इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, वरना इसमें स्मेल आ जाएगी। गाइस तो फाइनली हमने हेयर कट ले लिया है। मतलब आज भी हमारा प्लान नहीं था जाने का, हम बस एक टॉप ऑल्टरेशन करवाना था, वो लेके गए थे, पर सोचा कि चलो निकले हैं तो अब करवा ही लेते हैं। तो एक काम तो हो गया, बाकी और कुछ काम हमारे नहीं हुए। तो मेरा तो आप देखो ऐसे ही है, मुझे इससे और शॉर्ट करवाने का मन था, पर गर्मी है इस वजह से मैंने और शॉर्ट नहीं करवाई, क्योंकि बांधने वांधने में दिक्कत होती है। इसका दीदी का दिखाते हैं, मैं ऐसा कुछ है, इसका भी अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है। इससे ज़्यादा शॉर्ट करवाते तो अभी गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती बांधने वांधने में, तो अभी इतना ठीक है। और इजी टू कैरी भी, हेयर फॉल इतना होता है ना कि सही है, इतना छोटा छोटा। गाइस तो ये रहा घी जो आपने दिन में देखा था, वो बना रही थी। तो इतना सा घी निकला है, दो तीन महीने का, वो एक महीने का शायद, ये जमा कर रही थी मलाई जो भी होता है, करते करते इतना घी निकला है, इतना पता नहीं कितना ग्राम होगा, पर ठीक है। गाइज हम दोनों का मन कर रहा है कुछ डिलीशियस ऐसे कुछ खाने का, और घर में हमारे पास नूडल्स तो पड़े हैं पर एग नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि मैं जाके नीचे से एग ला देती हूँ, बट वो कह रही है नहीं नहीं। तो वैसे भी अब बाहर से अगर कुछ हम मंगाएंगे तो बारिश हो रही है, आते आते कितना टाइम लगेगा, और जल्दी कोई रेस्टोरेंट ऑर्डर भी नहीं प्लेस करवाएगा। तो अब घर में ही हम लोग कुछ बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पे बन रहा है सत्तू का पूरी, तो इस बार का व्लॉग भी एकदम टुकड़ों में मैंने शूट किया है। कल भी थोड़ा थोड़ा शूट किया, आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। इस व्लॉग में हमने सोचा तो था कि बहुत कुछ एक्साइटिंग करेंगे, बट वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें कुछ एक्साइटिंग होगा फॉर श्योर। तो अब इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर एंड कर